एवरीवन, आज मैं आपको अपनी वीडियो में सारे प्लैनेट्स दिखाऊंगी भी और सिखाऊंगी भी कि हम इनको कैसे याद करें, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि प्लैनेट्स कैसे बने उसकी फुल स्टोरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्लैनेट्स बने किससे हैं। ये एक क्लाउड है डस्ट और गैसेस का, विच इज नेम्ड एज नेबुला। इसका नाम है नेबुला। 4.5 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये बहुत ही साल पुराने पहले की है बात है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डस्ट और गैसेस भरी हुई थी। तो ज्यादा गैसेस होने के कारण ये फट गया, और जो इसके बीच का पोर्शन था वो बन गया सन, और बाकी 8 बॉल्स हमारी बन गई प्लैनेट्स। ये है हमारे प्लैनेट्स की फोटो। सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है मरकरी। थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। सैटर्न, इट हैज अ रिंग अराउंड इट। सेकेंड प्लैनेट इज यूरेनस। लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून, और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट होता है। दिस इज मून, और ये सबसे कोल्डेस्ट होता है, और ये अपनी शैडो सन से ही लेता है। अब आप लोग सोचेंगे मैं माई क्यों लिखा, अब मैं देखिए कुछ और वर्ड्स लिखूंगी। अब सोचेंगे मैंने क्या लिखा। माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। मैंने ये लिखा। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने प्लैनेट्स याद करने का एक फॉर्मूला निकाला है। हमें प्लैनेट्स याद करने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इनके टिपिकल नेम होते हैं। तो अब हम इनको सीरीज वाइज एक ही लाइन से याद कर लेंगे, और मैंने भी इनको इसी लाइन से याद किया है। माई मतलब M, M मतलब मरकरी, वेरी वी वीनस, एडुकेटेड ई अर्थ, मदर M मार्स, जस्ट जे जुपिटर, सर्व एस सैटर्न, अस यू यूरेनस, नूडल्स एन नेपच्यून। एक इसी लाइन से हम सारे प्लैनेट्स को इजीली याद कर सकते हैं। इस लाइन का अपने मन में बस बिठा लीजिए। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्लैनेट्स याद हो गए हों, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।